बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इरम फूड सिक्योरिटी स्टोर को मैं शामिल। व्यूअर्स, आज हम फिंगर फ्राइज बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है और साथ ही साथ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज हम फिंगर फ्राइज बनाने वाले हैं, इसलिए हमने आलू लिए, इनके बड़ी क्विक से छिलके उतार लेने हैं। ज़्यादा थिक छिलका मैं इनका नहीं उतारूंगी, बारीक बारीक सा ही उतारना। व्यूअर्स, आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में अगर फिंगर फ्राइज हो तो फिर टेस्ट भी लाजवाब होता है, तो इसलिए आप भी जरूर ट्राई करें और साथ ही साथ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। व्यूअर्स, छिलके हम इनके उतार चुके हैं, अब मैं इनको लंबाई में कटिंग कर लूँगी। ज़्यादा बारीक पीसेज मैं इनके नहीं करूँगी, थोड़े थिक रख के ही इनको कटिंग करना। सारे पीसेस को हमने एक जैसा कटिंग करके रख लिया है, अब मैं इनकी फिंगर शेप में कटिंग करूंगी। व्यूअर्स, आज फिंगर फ्राइज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है, इसलिए आपने भी ज़रूर ट्राई करना है और साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सारे पीसेस को हमने फिंगर शेप में कटिंग कर लिया है, कटिंग करने के बाद हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। अब हम एक बॉल लेंगे, बॉल के अंदर ये सारी चिप्स ऐड करेंगे। 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर बेसन ऐड करूंगी। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून रेड मिर्च, हाफ टी स्पून सूखा धनिया, पिसा हुआ सूखा धनिया, हाफ से भी हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर के ऐड करूंगी। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसे वॉश किया था इसलिए ऑलरेडी इसके अंदर पानी मौजूद था। व्यूअर्स, मिक्सचर हमारा तैयार है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। एक एक पीस करके हमने इसके अंदर ऐड करना है। हमने पैन के अंदर इसे फ्राई किया, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। इसे हमने लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम इसके नीचे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने। जितनी देर में हमारी फ्राइज तैयार नहीं होती, देखते हैं वहीं का सीन कैसा है। बारिश तो अभी तक नहीं रुकी, मगर हमारी फ्राइज तकरीबन तैयार होने वाली। सो व्यूअर्स, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारी फिंगर फ्राइज बन चुकी है। अब मैं इसे अलहदा से प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। देखिए इसका कितना अच्छा कलर आ चुका है। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, इसलिए आप भी जरूर ट्राई करें और साथ ही साथ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। कल इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।